जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 न्यू वैकेंसी निकली हुई है डाक विभाग की तरफ से GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट के माध्यम से। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो वैकेंसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा 2024 में 44,000 वाली निकली थी, उसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी गई है। और ये जो वैकेंसी है 25,000 से ज़्यादा पदों पर अभी इस बार निकाली गई है। और इस वैकेंसी में पोस्ट मास्टर वाले पद भी शामिल किए गए हैं, ग्रेजुएशन लेवल उसका रखा गया है। साथ ही साथ इसमें MTS वाले पद शामिल है जिनकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास रखी गई है। और रिमेनिंग जो पोस्ट रहेगी वो पोस्टमैन और मेल गार्ड की रहेगी, वहाँ पे भी आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है। सभी वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा, खाली पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। डिटेल डिस्कशन करेंगे, अपकमिंग वैकेंसी रहेगी, अक्टूबर महीने की ये वैकेंसी है, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे शुरू से लेकर एंड तक। इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिटेल में अभी बात कर लेते हैं भारतीय डाक विभाग में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे अपकमिंग वैकेंसीज में 25,000 से ज़्यादा पदों पे जो वैकेंसी निकल रही है, यानी कि इसके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। पोस्ट मास्टर वाली इसमें वैकेंसी एड की जाएगी जो कि पहली बार होगी 8,571 पदों पर। वहीं पोस्टमैन, मेलगार्ड और मल्टीटास्किंग के 1712 पद हैं, टोटल मिला के 25,583 पदों पर यहाँ पर ये वैकेंसी होने जा रही है। और ये वैकेंसी 2024 में 44,000 वाली जो वैकेंसी निकली थी उसके बाद में सबसे बड़ी वैकेंसी रहेगी। इसके अलावा ये वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे, और ये ध्यान रखना यहाँ पे ये जो वैकेंसी है इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है। और ये ग्रेजुएशन आपकी, मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ यहाँ पे, उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। ये जो आवेदन होने स्टार्ट इसके 15/10/2024 से लेकर 16/11/2024 तक, यानी कि अक्टूबर महीने की वैकेंसी रहने वाली है, अक्टूबर महीने की वैकेंसी। इसके अलावा यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, और यह एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे क्या किन किन पदों के लिए रहेगा, ये पोस्ट मास्टर के पद के लिए रहेगा। और इसके अलावा ये जो रिमेनिंग जो पद रहेंगे इसमें, उसके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं रहेगा, उनके लिए खाली मेरिट वे सिलेक्शन होगा। 10th क्लास वाली वैकेंसी रहने वाली है, और पोस्ट मास्टर वाली पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी जिसके लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव रहेगा। इसके अलावा फर्दर जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एक बार और आपको, और साथ ही साथ ऑनलाइन फिल करके भी आपको बता दिया जाएगा। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इस वैकेंसी के पल पल की न्यूज़ आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।